फिल्म बहुत ही एक अच्छी बनाई गई है। आज के जो हमारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम का जो हालात है उस पर दर्शाई गई है कि आज के जो शहर और गांव में जो चलता है एजुकेशन के नाम पे उस पर दर्शाया गया है। और जो आज लोग यूपीएससी आईपीएससी उसके पीछे भाग रहे हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर भी सक्सेस रेशियो एकदम कम होता है। तो लोगों को क्या चुनना चाहिए और किस तरह मेहनत करनी चाहिए ये उस पर दर्शाया गया है। और अगर आप लोग असफल हों तो उसे हार न मान के और दूसरा कुछ करना चाहिए, इस पर बताया गया। उसके साथ साथ विक्रांत मैसी के काम के बारे में क्या ख्याल है, बाकी सब लोगों के काम के बारे में क्या ख्याल है, किस तरीके का जस्टिस उन्होंने रियल कैरेक्टर्स को दिया? विक्रांत मैसी का एक नेचुरल परफॉर्मेंस है, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है, कहीं भी उन्होंने ओवर न करते हुए एक अच्छा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया। फिल्म के किरदार को अक्सर एक अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। क्या कहते हैं लोगों से कि आप मिल गई फिल्म के लिए और बहुत से रेटिंग लगाए? ये फिल्म हर यूथ सेक्टर के लिए बनाई गई है, तो हर एक यूथ ने देखना चाहिए ये फिल्म और कुछ मैसेज लेना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पाँच में से कितने स्टार देंगे आप? मैं 4.5 दूँगा। आपको लगी है क्या कहने देगा, किस तरीके से भाई विधु विनोद चोपड़ा की अभी पूरा फेस्टिवल जैसा चल रहा है, मुझे विधु विनोद चोपड़ा की आज तक की सबसे अच्छी कोई फिल्म लगी है तो वो ये फिल्म है। ये फिल्म इतनी इंस्पायर करेगी, इसे तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में हर कॉलेज में बच्चों को दिखाना चाहिए। आई थिंक ये बायोपिक है, तो बायोपिक ऐसे जो हमारे रियल हीरो हैं, हमारे ज़िंदगी के जो हीरो होते हैं उन पर बेस्ड है, तो हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि ये प्रक्रिया कैसी होती है। इसमें बहुत गूढ़ता से दिखाया है, कहीं भी आइटम सॉन्ग नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो बैकग्राउंड स्कोर भी मिनिमम रखा है। तो अगर हम टेक्निकली देखें और इसे उसमें देखें कि इमोशनली भी बहुत टच करती है, ऐसा कंटेंट है जो मुझे लगता है कि मास तक पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं क्या कहूँ, इसको मैं 4.5 से नीचे दे ही नहीं सकती। विक्रांत मैसी के काम के बारे में, वाओ क्या एक्टर है, एक्टर अच्छा है ये तो हमें पता था, हदीन दिल रुबा बहुत सारी उसकी फिल्में हैं जो जिसमें दिखाया, लेकिन इस फिल्म में तो वो छा गया है। उसने जो एक्टिंग की है, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, वो लगता ही नहीं है कि एक्टिंग कर रहा है। विधु विनोद चोपड़ा ने जो डायरेक्शन दिया है वो भी बहुत अच्छा है, जो दूसरे कलाकार हैं उन लोगों ने भी, और पूरी फिल्म बांधे रखती है, कहीं भी बिखरने नहीं देती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। फाइनली बेस्ट फिल्म कैसी लगी आपको? हाँ, वेरी इन अ गुड मूवी, 12th फेल। आई एम रमेश राव फ्रॉम द डेली ट्रूथ। और बोलने का ये है कि विधु विनोद चोपड़ा इज अ क्लासिक फिल्म मेकर फ्रॉम 1942 लव स्टोरी, सो मेनी फिल्म्स। दिस फिल्म इज वेरी एडुकेटिव एंड इन्हें सच्चाई दिखा हमारे देश में कि चंबल के गांव के यहाँ से भी अगर बच्चे के अंदर वो हिम्मत, वो पैशन, वो ईमानदारी हो तो हमारे देश में वो आगे बढ़ सकता है, और हमारा देश में जो सिस्टम है, जो करप्शन घुसखोरी वगैरह हो, तो उसको बदली कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी फिल्म, मज़ा आया, वेरी नाइस एंड रियली इनोवेटिव, और इस तरह विनोद चोपड़ा ने उसको पेश किया है एंड विक्रांत मैसी ने अच्छा एक्टिंग किया है, और म्यूजिक भी अच्छा है शांतनु मोहित्रा का एंड लिरिक्स गाने वो एक सिंपल मतलब है, बट वेरी गुड मूवी। शोन द अबाउट एग्जामिनेशन के बारे में, यूपीएससी एग्ज़ाम ये सब कैसा होता है। हाँ, काम सबका अच्छा है और बहुत अच्छा दिखाया विक्रांत मैसी, मैंने बोला ना वेरी गुड एक्टर, अच्छा काम किया है, और ओवरऑल फिल्म आपको इम्पैक्ट करती है, आपको सच्चाई के नज़दीक लाती है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच इट। आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5।